ये कागज का एक घूमने वाला मॉडल है। इसके लिए आपको एक A4 साइज का कागज, एक फुट पट्टी, एक स्केच पेन की जरूरत होगी। A4 साइज कागज लें और इसे बिल्कुल दरमियान से तय कर लें और एक तिकोनी तय करें, और इसके बाद जो मुस्ततील नुमा पट्टी है इसे काट कर अलग कर लें। अब जब आप कागज खोलेंगे तो आपको एक बड़ा मुस्ततील नज़र आएगा जिसमें दो मुरब्बे होंगे, यानी मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई से दुगना होगी। अब इसे दरमियान से तय करें और इसके लिए सिरे को दरमियानी लकीर तक लाएं। इस तरह से एक दोहरी लंबी पट्टी हासिल होगी। इस पट्टी को हमें 8 हिस्सों में तय करना है। दोनों सिरों को दरमियानी लकीर तक लाएं और तय करें, फिर सिरे को चौथाई लकीर पर रखें और हमें 1/8 हिस्से मिलेंगे। फिर चारों दरमियानी लकीरों को जोड़ें जिससे दरमियान में मसावी जिलों वाला जुजंका बन जाएगा। फिर दोनों मुखालिफ सिरों को भी मोड़ें जो दोनों वितर होंगे। फिर पलट कर इसी तरह से दूसरी तरफ चौकड़ी बना लें। फिर फुटपट्टी लेकर इन तमाम तिरछी लकीरों को वाजे तय करें। लकीर जितनी वाजे तय होगी आपका मॉडल उतना ही अच्छा बनेगा। ये आपके तमाम तय नज़र आ रहे हैं। फिर फुटपट्टी की मदद से एक हिस्से को काट कर अलग कर लें। इस हिस्से को मुखालिफ हिस्से में दाखिल करें और दोनों को एक दूसरे पर मुसल्लत कर दें। अब आपके पास कुल 6 हिस्से बाकी बचेंगे। इन 6 हिस्सों से आप एक मुसल्लस या एक छत नुमा बना लें। अब आप ये देखेंगे कि बाहर की तरफ जुजंका के खुले हिस्से नज़र आएंगे। इन्हें अंदर की तरफ तय करें। फिर दूसरे वाले हिस्से में तीसरे वाले हिस्से को इस तरह से 6 जिलों वाला मॉडल हासिल होगा और 3 पंखड़ियाँ नज़र आएंगी। इन पंखड़ियों को आप अंदर की तरफ तय करें और अब आपका ये घूमने वाला मॉडल लगभग तैयार है। इसे आप आराम से घुमाते जाएं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि कागज़ बिना फटे इस तरह घूम सकता है। ये बड़ा ताज्जुब खेज मॉडल है। एक गिजाई जंजीर बनाएं। सबसे पहले कीड़े मकोड़ों को मेंढक खाते हैं और मेंढक को सांप और सांप को चील खाती है। हो गया ना बड़ा खूबसूरत मॉडल।